तो ये देखो जेड एक्स टेनार दुकान। तो इसे आप जानते हो, और ये है कि एलडी भाई होते तो थोड़ी और मजा आती। अरे हेलमेट, गुड मॉर्निंग गाइज, जेके राइडर में आप सबका फिर से स्वागत है एक नए दिन नए सुबह में। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो आज संडे है और संडे राइड पे निकले हैं। बहुत दिन बाद निकले संडे राइड पे हकीकत में। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से घर से, फिर आप लोगों से मिलते हैं बाद में थोड़ी देर में। तो बाइक को कोल्ड स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं और आप लोगों से भी मिल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है मुझे बताना, और आवाज कैसी आ रही है बताना भाई। गाइस मीटिंग पॉइंट पे आ चुके हैं, ये हमारा मीटिंग पॉइंट है गोकुल पेट्रोल पंप के पास में। तो कभी भी आना हो तो लगा मेरा मजाक। तो गाइस जब निकल रहे हैं यहाँ से गाइस, आज संडे हम अकेले हैं भाई। इच्छा तो नहीं थी पर फिर भी निकल गए यार, देखे यार, क्योंकि बाइक को बहुत टाइम हो गया यार, लॉन्ग ड्राइव पे लेके नहीं गए कहीं, तो मेरी बाइक नाराज ना हो जाए इसलिए हम निकल चुके हैं। तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, देखे हुए यार क्या है, आज मूड है नहीं थोड़ा बहुत। देखते देखते मूड पे है भाई। कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ भी नहीं। अरे हेलमेट कंट्रोल। देखा हाईवे पे कैसे कैसे एक से एक नमूने भरे पड़े, मतलब कहीं पे भी टर्न ले लेते हैं यार, इनको कुछ लेन देना नहीं है कि भाई आगे पीछे कोई है नहीं है, जय हो ऐसा है। ये है कि एलडी भाई होते तो थोड़ी और मजा आती, पर आज क्या करें भाई, अकेले एलडी भाई को टाइम मिला नहीं। और चुप है, ग्रुप में भी किसी को पता था नहीं।
और यार मुंह सूख गया है, खतरनाक यार। अभी तो इतनी ठंडी है फिर भी पता नहीं, हवा एकदम इतनी ठंडी ठंडी चल रही है यार, मजा आ रहा है। वापस आते समय तो बराबर की गर्मी लगेगी, पर फिर भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं करूँगा वहाँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वहाँ पे। 6 साल मॉस्को, पैसा बर्बाद। तो मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँगा वहाँ से। इस तरह ऐसा है कि तो इसे आप जानते हो कि ये वो लड़की है भाई, राइडिंग कर रही है जो लड़की है, तो बाइक से पहचान के भाई, और तो कुछ नहीं। ये गोचू देखा, ऐसे ऐसे होते हैं कलाकार, फिर बोलते हैं कि यार ये देखो एक के साथ एक फ्री। नहीं रुक, कहां से आते हैं ये म्यूजिक? सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है बताना यार, बोलते रहो यार कुछ ना कुछ यार। एलडी भाई बोलते रहो। हरामी हो बेटा, अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। तो एक और भाई हमें मिल चुके हैं भाई, वो लगता है इनके ग्रुप का ही है, इंतजार कर रहे थे शायद मेरा उनका, सॉरी मेरा मेरा बोल दिया। कितना अच्छा नजारा है ना, एकदम प्यारा सा, इसे कोई नहीं पकड़ सकता भाई, मजाक कर रहा हूँ। और नजारा देखो यार हाईवे के, और आप लोग आगे के नजारे एंजॉय कीजिए, हम भगाने वाले हैं भाई। आगे दो बाइकर्स मिल गए और अपने में गप्पे मार रहे हैं भाई। तो गाइस टोल प्लाजा आ चुका है और वहाँ थोड़ी देर इंतजार करेंगे, बस मतलब रेस्ट लेंगे थोड़ा सा, बाकी इंतजार तो किसी का करना है नहीं। पर कभी खोया नहीं प्यार में न जाने तेरे, माफ करना अगर ज्यादा हूँ मैं सच्चा, पर साफ क्या बचा दे चुका हूँ मैं शाबाश। ये आ चुका है टोल नाका, और मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि जल्दी आ गया यार टोल नाका।
भाई ये इस तरह की रोड आती है ना, वो सबसे खतरनाक होती है भाई हकीकत में। बोले कितना भी प्रो राइडर हो यहाँ पर हिल जाता है भाई, क्योंकि ये इस टाइप की मतलब घिसी हुई लाइन होती है, तो उसमें क्या है कि टायर बैलेंस रहता नहीं, इधर से उधर होता है और वो आदमी इधर ही हो जाता है तो हमने टोल नाका क्रॉस कर लिया है और वीडियो कैसी लग रही है यार बताना यार, ऐसी ठोका ठोक बना रहा हूं मैं अरे कुछ भी अच्छा लगे तो यार कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड तक वीडियो को सेंड करो, हो सके इतना वीडियो को वायरल कर दो। हमारे एलडी गुरुजी बोलते हैं भाई जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार, मेरा गोप्रो का एंगल सही नहीं है यार, पता नहीं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखते हैं जहाँ रुकते हैं वहाँ पर हम गोप्रो को फिर एंगल सही करते हैं, फिर निकलते हैं। क्या है कि गाड़ी को बहुत भगाया तो अभी वापस नॉर्मल स्पीड पे ले आते हैं और एवरेज बिठाते हैं, ऐसे ही तो एवरेज देती है नहीं, फिर भी बोलना पड़ता है कि एवरेज बिठाते हैं। तो बस में से सब लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो देखो जिंदगी का मजा लो यार, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, इसके लिए कह रहा हूँ मजे लो। और ये पेड़ सबसे अच्छा लगता है मेरे को, जब भी यहाँ से निकलता हूँ हकीकत में, जो ये पेड़ है ना यार, जो इनकी डिजाइन है वो बहुत अच्छी लगती है। और ये जा रहे विंग, ये विंग है, ये जो पवन चक्की होती है ना उसके विंग है भाई, मतलब कितने बड़े ट्रक में उसके बाद भी बाहर है बोलो तो देखो ये साइकिल पे जा रहे हैं, मतलब बहुत हिम्मत चाहिए भाई। मैंने भी साइकिलिंग बहुत की है फिर छोड़ दी मैंने, ऐसे ही छूट गई, पता नहीं छोड़ी नहीं मैंने, फिर वो धीरे धीरे छूट गई यार। भाई भाई इधर तो ट्रक का होलसेल है भाई, ये देखो और वो ट्रक वाला भगा रहा है खतरनाक भाई। तो भाई मेरे वाह, तो भाई हम आ चुके हैं हमारी मंजिल के पास भाई, अब थोड़ा सा ही दूर रह गया है, ज्यादा नहीं। दुर्घटना से देर भले, सरकार बोलती है दुर्घटना से देर भले, और ये सही बोलती है। इसका मतलब है भाई आराम से चलाओ, कोई उतावल नहीं है, पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर क्या मतलब। तो सरकार बोलती है धीरे चलाओ, सतर्क रहो अगले एपिसोड में मिलेंगे आप सबसे। हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। सतर्क रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।
अब पता नहीं क्यों गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी, इतनी देर तक नहीं लग रही थी अब लग रही है। बाय बाय। तो ये रही हमारी मंजिल गैलॉक्स, और हम वहाँ से रिक्यूटर्न लेके आएंगे। और उन बाइक वालों को शायद पता नहीं था कि यहाँ से कट है, तो वो पहले से ही कट ले लिया उन्होंने। और तो अभी हम आप लोगों को जलवा दिखाने वाले हैं भाई। तो आ चुके गैलॉक्स और कोई नहीं है भाई। आज ऐसा कैसे हो गया भाई। तो एलडी भाई वो 150 वाली कॉफी वो सामने से ली थी भाई, बाकी ये पैसे हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भाई तो विली ग्रुप आ गया भाई उनका विली ग्रुप है पूरा। तो अभी हम गैलॉक्स पे थे और आप लोगों को एक देखो बाइक चीज बाइक दिखाता हूँ जबरदस्त। इसके अंदर स्पीकर भी है और बहुत ज़बरदस्त बाइक है। और ये भी अपनी, और ये हार्ले, ये भी हार्ले, ये BMW, ये भी BMW है, ये डोमिनार है, और ये सब एक्सपल्स हिमालयन। और ले लेते हमारी सस्ती है यानी कि नहीं लोगे। अरे ये यार ये ठीक है, ये महंगी है। आप तो रॉयल एनफील्ड के इवेंट पे थे ना। आप गोवा बोलोगे तो हम थे, छोटी छोटी जगह पे हम नहीं जाते, बड़ी इवेंट ही अटेंड करते अभी तो आप बोल रहे थे। तो भैया की बाइक है, जुनून होना चाहिए बाइक तो कोई भी हो। कैसा लगा? हाँ तो ये देखो ZX10R डुकाटी KTM। एक से एक बाइकें आती हैं यहाँ पर। और ये है हार्ले की 883। और एक से एक बाइक है भाई। तो भाई जब गैलॉक्स से निकल रहे हैं और क्या करे भाई, अकेले थे। एलडी भाई को वीडियो कॉल किया था तो एलडी भाई नाराज हो गए बोले अकेले चला गया। भाई यार क्या करे, मैं तो सुबह उठ गया तो मैं निकल गया, ऐसा है। मेरे जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर बहुत दिन से राइड की नहीं थी तो फिर ऐसे ही इच्छा हो गई तो निकल लिए। तो ये देखो ये गई टेनार व्हाइट कलर वाली।
अब होगा अपना जलवा। We'll be right back.